हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आई हूँ एक फैक्ट जो बहुत ही सिंपल वे में आप रेडी कर सकते हैं और इसका इफेक्ट आपके हेयर्स में बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो इस हेयर पैक के लिए हमको सबसे पहले चाहिए बनाना, एलोवेरा एंड एग। बनाना हमें बिल्कुल इस फॉर्म में चाहिए जो बिल्कुल पका हुआ हो। फ्रेश बनाना हमें नहीं चाहिए। जितना आपका बनाना पका हुआ होगा उसका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। आप बनाना और एग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एग यूज़ ना करना चाहें तो उसको स्किप करके आप बनाना और एलोवेरा कर सकते हैं। एलोवेरा को मैंने पहले ही पील करके बाउल में निकाल लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। हमें क्या करना है इस पूरे उसको करने के लिए, मैंने लिया है हैंड ग्राइंडर। आप अपना मिक्सी वाला ग्राइंडर भी ले सकते हैं। इसमें आप डालिए ऐसे, ये इसका है। इसमें आप डालिए पहले बनाना पील करके, पूरा पील करके अच्छे से। बनाना जितना आपका पका हुआ होगा उतना ही आपके पैक का, हेयर पैक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। हेयर पैक या हेयर मास्क जो भी आप कहना चाहें। ये देखिए, ये ऐसे हो गया है। नेक्स्ट आप एक और बनाना ले सकते हैं ये, और इसकी क्वांटिटी आपको अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, आप जितना ज़्यादा या कम आप बनाना चाहते हैं हेयर मास्क बन जाएगा ये। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ इसमें एग। ये एग डाल दिया है मैंने, और ये एलोवेरा। ये जो मास्क है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है आफ्टर हिना। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके बाल एकदम स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे। अब इसको बंद कर दिया है मैंने और इसको हम यूज़ करेंगे ऐसे। इसको आप चला लीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विड वाली नहीं होनी चाहिए, इसको थोड़ा थिक रखना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको लिक्विड ज़्यादा ग्राइंड कर देंगे तो ये फिर आपके बालों से बिल्कुल लिक्विडली बहने लगेगा। तो हमें वैसा ना करके हमें ये थिक फॉर्म चाहिए इसकी। इस फॉर्म को आप, अब इसको आप अपना इजीली हैंड से या अपने ब्रश, मेहंदी वाले ब्रश से इजीली अपने हेयर में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज मैंने आपके साथ शेयर किया हेयर मास्क। बहुत इजी वे में, बहुत आसान तरीके से आप घर में बैठे अपने हेयर्स की केयर कर सकते हैं और इसको रेडी करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप बनाना, एग, एलोवेरा इनमें से किसी भी एक चीज़ को स्किप करके भी इस मास्क को रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और व्लॉग थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव या यूजफुल आपके रहा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैव अ नाइस डे।